एक और धमाकेदार वीडियो लेकर आया दोस्तों मैं आपके लिए इस मोशन सेंसर की, जो कि मैंने बनाया। मोशन सेंसर किस तरह से बनाया जाता है मैं आपको आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ, तो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। मैं ये मोशन सेंसर अभी टेस्ट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये मैं लगा दे रहा हूँ। यहाँ पर टेस्ट कर दिया मैंने, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा लाइट ऑन हो गया। जैसे मैं बाथरूम के अंदर जाता हूँ मेरा लाइट ऑन हो जाता है। ये सिर्फ मैंने बनाया है सिर्फ 100 रुपये में। अगर आपको ऑनलाइन ख़रीदना है तो आप ऑनलाइन में भी आपको 550 रुपये का मिल जाता है, लेकिन इसको हमने बनाया सिर्फ 100 रुपये में बनाया। ये किस तरह से बनाया जाता है ये सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसकी सर्किट डायग्राम मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आपको मैं सबसे पहले एक सर्किट डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, उसको आपको स्क्रीनशॉट निकाल के रखना है। उस सर्किट डायग्राम का आप ये देखिए, मैं आपको एक सर्किट डायग्राम दिखा रहा हूँ, इसका आपको स्क्रीनशॉट निकाल के रखना है और इसी से रिलेटेड आपको बना देना है, ठीक है। इसी के साथ, इसी के जैसा आपको, इसी के सर्किट डायग्राम के अनुसार आपको पूरा ड्राइंग के साथ ही आपको और सर्किट बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं बता देता हूँ आपको कि क्या क्या मटेरियल लगेगा। इसमें लगेगा आपका एक कैमरा का बॉक्स लगेगा 4x4 का, जो कि होता है 15 से 20 रुपये का, और एक आपको लगेगा PIR मोशन सेंसर SR501, ठीक है। और उसके बाद लगेगा आपको 547 का ट्रांजिस्टर, जो कि आपको 1 या 2 रुपये में मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद में हमें लगेगा डायोड, जो कि आपको 1-2 रुपये में आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। और फिर उसके बाद लगेगा आपको 5 वोल्ट 10 एम्पीयर का रिले, जो भी आपको आपके मार्केट में इजीली इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में 10 से 15 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद लगेंगे आपको DOTED PCB। जी हाँ दोस्तों, आपको DOTED PCB लगेंगे, जो आपने अभी देखा DOTED PCB। उसके बाद में लगेंगे आपको एक कनेक्टर, कनेक्टर लगने के बाद में आपको एक लगेगा पावर सप्लाई, जो कि होगा 5 वोल्ट का और 1 एम्पीयर का पावर सप्लाई होगा, जिसकी सर्किट हम निकाल के फिर बॉक्स में लगा देंगे। आपको किस तरह से कनेक्शन करना है ये सब कुछ मैंने आपको अभी ड्राइंग दिखा दिया हूँ, यानी इसकी सर्किट डायग्राम दिखा दिया हूँ आपको। उसी के अनुसार आपको वीडियो को देखना है और पूरा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना है, और आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम इसे शोल्डर करना है इसे, और किस तरह से हमें इसे डिज़ाइन करना है। तो आपको सर्किट डायग्राम मिल ही चुका है, तो आप पूरा वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। मैं अभी यहीं पे रुक जा रहा हूँ, सिर्फ आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंडिंग में।
आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक सेंसर लगा हुआ है जो कि हमने ऑनलाइन अमेजोन से ऑर्डर किया हुआ था। इसकी भी वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल के रखा हुआ है, तो आप वहाँ पर जाके भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरह से इसके कनेक्शन होते हैं। तो मैंने इसके बारे में पूरी वीडियो बनाया हुआ है। तो अभी हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो हमने नया वाला जो अभी बनाया है यानी DIY का जो हमने अभी बनाया है सेंसर अपने हाथों से, वो सेंसर हम इस पर लगाएंगे और उसको आपको टेस्ट करके भी दिखा देंगे इसे किस तरह से हम यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ठीक है, हम अभी क्या करेंगे, जो हमारे वायर्स है पुराने सेंसर में जो लगे हुए हैं वो हम पूरा यहाँ से निकाल देंगे। और जैसे कि हम अभी निकाल रहे हैं, जो वायर अभी हम मैंने निकाला हुआ है जो वो वायर है हमारा जो कि हमारा आउटपुट वायर है यानी कि जो हम जिस पे हमने लाइट कनेक्ट किया हुआ है वो वायर है। ठीक है, तो अभी हम इसके बाद में जो वायर निकालेंगे वो वाला वायर है हमारा कॉमन वायर। ठीक है, यानी कि जो हमारे कॉमन वायर न्यूट्रल वाला कॉमन वायर आएगा और एक जो हमारा लाइट लगा हुआ है उसका कॉमन वायर आएंगे, यानी कि दो वायर आएंगे। तो हम क्या करेंगे, उसको कॉमन वायर वाला लगा देंगे। आपके कनेक्शन आपको मैंने सर्किट डायग्राम की देखकर दिखा दिया हो, तो आप सर्किट डायग्राम को देखकर आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम इनपुट वायर लगाएंगे यानी कि हमारी इनपुट पावर इसको देना है, तो हम वाला वायर लगा देंगे। इस पर हमने वायर लगा दिया, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे। हम आ जाएंगे बाथरूम के बाहर में, तो हमारा सेंसर यहाँ पर लग चुका है। वो सेंसर लगने के बाद में अभी हम क्या करते हैं, कैमरा को बाहर लेकर आते हैं और आपको टेस्ट करके दिखा देते हैं कि ये सेंसर चालू है या नहीं। तो ठीक है, तो आप अभी हम कैमरा लेकर आ गए हमारे बाथरूम के बाहर में, तो हमने रख दिया यहाँ पर कैमरा। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा लाइट्स जो है वो अभी चालू है, यानी कि हमारा जो लाइट है वो अभी हमारा लाइट अभी चालू है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हमने लगा दिया दरवाज़ा। तो दरवाज़ा लगाने के बाद में क्या हो जाएगा कि जो बाथरूम का लाइट्स है यानी कि वहाँ पे कुछ भी मोशन नहीं होगा, तो वो लाइट क्या होगा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा बाथरूम में। जब तक आपका मोशन होते रहेगा यानी कि आप जब तक हिलते डुलते रहेंगे जब तक आपका वो लाइट्स ऑन रहेगा। ठीक है, हम अभी क्या करते हैं, हम लाइट बंद हो गया हमारा, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये सेंसर ऑन हो गया। तो हम अभी एक बार और आपको करके दिखा देते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमने दरवाज़ा दोबारा लगा दिया। अभी हम अंदर देख रहे हैं कि हमें थोड़ा सा कोना वोना भी दिख जाए कि अंदर का लाइट हमारा चालू है या नहीं, तो हमारा अंदर का लाइट अभी ऑफ हो चुका है। अगर आपको ये सेंसर ख़रीदना है तो मैं आपको नीचे अमेजोन का लिंक नीचे दे दूंगा, आप वो लिंक पर जाकर आप क्लिक करके उसे ख़रीद सकते हैं। तो देखिए, हम जैसे बाथरूम में एंटर होते हैं हमारा जो लाइट्स है वो ऑन हो चुका है। तो ये हमारा बाथरूम का सेंसर है यहाँ पर मोशन सेंसर, इसको आप ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।